नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रायपुर में नक्सलवाद पर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है। नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति पर हो रही चर्चा, डीजीपी समेत आला अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। नक्सल प्रभावित राज्यों के अफसर बैठक में मौजूद हैं। बड़ी जानकारी है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और रायपुर में नक्सलवाद पर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है। नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति पर हो रही चर्चा, डीजीपी समेत आला अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। नक्सल प्रभावित राज्यों के अफसर बैठक में मौजूद, और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां कुछ देर पहले ही वो पहुंचे थे गुरु वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने के लिए। और इस वक्त नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा, और ये जो बैठक है, ये बैठक शुरू हो चुकी है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीमा, जो छत्तीसगढ़ की सीमा से जुड़े अन्य राज्य हैं, वहाँ के भी जो अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं, और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर किस तरीके से काम किया जा सकता है, ये प्रमुख चर्चा का विषय रहने वाला है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शुरू, और ये देखिए, जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, इस दौरान जब मंच पर मौजूद थे, स्वागत वंदन अभिनंदन की तस्वीरें भी, और पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। तमाम जो जिलों के अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गए। आकाश, बैठक शुरू हो चुकी है, संबंधित और क्या कुछ जानकारी अभी मिल पाई है? जी बिल्कुल, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो है वो बैठक शुरू हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत जो है तमाम अधिकारी मौजूद है, और एक एक करके सभी अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्य के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी इसमें शामिल है। इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत अन्य जो राज्य है, महाराष्ट्र है, उनके जो अधिकारी है वो शामिल है। किस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति बनाई जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने पहले ही कह दिया था कि 3 साल के भीतर जो है नक्सलवाद को पूर्ण रूप से खत्म करना है। अगर पूरे देश की बात करें तो 9 राज्य जो है वो नक्सल प्रभावित है, जिसमें से 38 जिले हैं, और उन 38 जिलों में 15 जिले जो है नक्सलवाद से प्रभावित है, अकेले छत्तीसगढ़ में है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ देश के लिए जो नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ में, वो एक बड़ी गंभीर समस्या है। तो उसको लेकर ही गंभीर ये बैठक है। इसमें रणनीति बनेगी और किस तरीके से काम किया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री सभी को निर्देश दे रहे हैं कि इसका खाका भी तैयार कर लिया गया है, और आगे की रणनीति पर भी जो है वो चर्चा हो रही है। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की बैठक होगी, उसमें भी तमाम जो मुद्दे हैं वो शामिल होंगे। अगर बैठक की बात करें तो राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद मौजूद है, मुख्यमंत्री मौजूद है, और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से बैठक शुरू हो चुकी है, और बैठक के दौरान क्या कुछ अपडेट होगा वो भी आपको देंगे। तो वहीं नक्सलवाद पर बैठक से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंपारण पहुंचे थे, जहां पर प्रभु वल्लभाचार्य के दर्शन उन्होंने किए, चंपेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की, और उनके साथ सीएम विष्णुदेव साय और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। और ये देखिए, उस दौरान की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर उन्होंने थोड़ा वक्त बिताया, और उसके बाद सीधे वे निकल पड़े अपने अन्य कार्यक्रमों की तरफ। महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम पहुंचे थे और चंपेश्वर महादेव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। तो मिशन छत्तीसगढ़ पर इस वक्त अमित शाह आए हुए हैं, और अभी जो बैठक शुरू हो चुकी है, इसके कुछ देर पहले की हम तस्वीरें चंपारण की दिखा रहे हैं, जब केंद्रीय गृह मंत्री पूजा पाठ करते हुए नजर आए थे। रायपुर से खबर है, जहां कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन जारी है। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर यह विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी का विरोध लगातार जारी है। प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। रायपुर के नमस्ते चौक पर कांग्रेस का धरना जारी है। बलौदा बाजार हिंसा मामले में जेल में बंद है देवेंद्र, और इसको लेकर कांग्रेस लगातार
प्रदर्शन करी। जिस तरीके से बलौदा बाजार में हिंसक झड़प हुई है और एसपी ऑफिस को पूरा तहस नहस कर दिया गया था, इसमें विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी जब से हुई उसके बाद से लगातार जो कांग्रेसी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि राजनीतिक भावना से के चलते ये कार्रवाई की गई है, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई है। प्रदेश व्यापी प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपके सामने, कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी का विरोध, सभी जिलों में कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है। और अब बात करेंगे मौसम की। पेंड्रा से खबर है जहां तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जिले में जगह जगह सड़कें जाम हो गई हैं, जान जोखिम में डालकर लोग नदी नाले पार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पेंड्रा से, जहां पर तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप, तमाम जो डैम हैं वो भी भर चुके हैं, खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही हैं और इस वक्त जान जोखिम में डालकर लोग नदी को पार करते हुए नजर आते हैं। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। मुंगेली से खबर है जहां मुंगेली में लगातार बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। मनियारी नदी उफान पर है तो वहीं खुड़िया लोरमी मार्ग के कारी डोंगरी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। मनियारी बांध सहित जिले के सभी बांध लबालब हो चुके हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां सारे जो डैम हैं वो पूरे भर चुके हैं, खतरे के निशान से ऊपर पानी भर चुका है और इसके चलते डैम के कुछ गेट भी खोलने पड़े। और चलिए से शुरू करेंगे मुंगेली से प्रशांत शर्मा, पेंड्रा से सुबीर चौधरी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो प्रशांत आपके पास आते हैं, मुंगेली में कैसे हालात हैं? मुंगेली जिले में जो बारिश लगातार जारी है और यही कारण है कि जो नदी नाले हैं सभी उफान पर। इस समय हम मनियारी नदी के पास खड़े हैं, आप देख सकते हैं नदी का जो स्तर है लगातार जल स्तर बढ़ते जा रहा है और यही कारण है कि जो निचली बस्तियां हैं या जो नदी किनारे के गांव हैं उनमें जो पानी भरने लगा है। लोगों को घरों में जो प्रशासन के द्वारा हिदायत दी जा रही है कि सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, क्योंकि जो ऊपरी इलाके जो वनांचल के क्षेत्र हैं तो उधर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो मनियारी बांध है वो लबालब हो चुका है और उसका जो जल स्तर है 3 फीट ऊपर जो वेग क्लियर है उसके ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण जो कारी डोंगरी का जो पुल है जिससे वनांचल के गाँव लोरमी ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ते हैं उनसे संपर्क टूट गया है, जिसके कारण बहुत से गांव संपर्क टूटने के कारण वहां से आवागमन जो पूरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं मैं बता दूं कि बारिश आज भी जारी है और बारिश लगातार होने के कारण ना मनियारी नदी इसके साथ साथ आगर नदी या दूसरे जो छोटे नदी नाले हैं वो सभी उफान पर हैं। मनियारी बांध के साथ साथ जो 19 छोटे बांध हैं वो सभी लबालब हो गए हैं और बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते जो लोगों की परेशानी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जाहिर सी बात है इससे लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है। और सीधे रुख करेंगे सुबीर का। सुबीर, पेंड्रा में लगातार बारिश और इसके बाद अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि और बारिश होगी, नदी नाले उफान पर है, फिर भी ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नालों को पार करते हैं, पुल को पार करते हैं। जी, बताना चाहूँगा कि पेंड्रा गोरेला मरवाही में जो है लगातार जो बारिश हो रही है और जो तेज जो लास्ट जो रात थी, इस रात के बाद जो तेज बारिश हुई थी, उस बारिश के बाद जो यहाँ है नदी और नाले हैं वो उफान पर है और लगातार जो है जगह जगह पानी भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर मरवाही की बात करें तो मरवाही के सोन में इस वक्त उफान की स्थिति है और लोग जो है जान जोखिम में डालकर उसको पार करने को मजबूर है। वहीं अगर मरवाही के ऑफिसों की बात करें तो कार्यालयों में भी पानी भरा हुआ है। जगह जगह जो वन विभाग के कार्यालय हैं, SDM तक पहुँचने के जो कार्यालय का रास्ता है वहाँ तक लोगों को पहुँचने में पानी को पार करना पड़ रहा है। वहीं जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग लगातार जो है अलर्ट जारी करके रखा हुआ है और उनके अनुसार जो है अभी भी 2 से 3 दिन लगातार जो है तेज बारिश की संभावना है और इस तरह से जो किसान है किसानों के खेतों में भी लबालब पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें बस्ती बगरा गोरेला पेंड्रा के क्षेत्र की तो वहाँ जो दूरस्थ जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से तेज जो पानी का बहाव है वह पहाड़ों से नीचे उतर रहा है, जिससे सड़कें जाम हो रही हैं और प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट जारी करके रखा हुआ है कि किसी भी तरह से इस पानी को पार न करें और लोग इस चीज़ को इस खतरे को उठाने के लिए तैयार है और लगातार जो है इस पानी को पार करते हुए भी नजर आते हैं, पर वहाँ पर किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति नज़र नहीं आती। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम तो नहीं होते हैं, लेकिन ग्रामीणों की जान जरूर जोखिम में पड़ जाती है। आगे बढ़ेंगे, जहां सुकमा में भी बारिश के चलते मलगेर नदी उफान पर है और गादी रास में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। नदी का पानी करीब 4 फीट ऊपर से बह रहा है। अब कई गाँवों का गादी रास से संपर्क भी टूट चुका है। जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है, क्योंकि जिस तरीके से पानी बह रहा है पुल के ऊपर से, वहां से रास्ता का इस्तेमाल करना भी ग्रामीणों के लिए मुसीबत है। और बारिश के चलते जो आसपास की नदियां हैं वो पूरी भर चुकी हैं, यहां तक कि जो पुल है वो भी पानी में डूब चुके हैं। पुल के ऊपर से 4 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, बड़ी मुसीबत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हो रही है। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां बारिश के कारण पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल हो गया है। बरसात का पानी अस्पताल में घुस गया, डॉक्टर और मरीजों को पानी में रहना पड़ रहा है। अस्पताल में पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है, और ये देखिए तस्वीरें। और यही कारण है कि जिन अस्पतालों में, जिन कार्यालयों में दो दरवाजे नहीं होते हैं, दो रास्ते नहीं होते हैं, उसमें ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री गेट तो है लेकिन एग्जिट गेट सामने से ही निकलना होता है, लेकिन अगर पानी यहाँ पर भर गया है तो पानी निकासी कैसी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये आप तस्वीरें देखिए, जांजगीर चांपा की है, जहाँ पर पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल है। पानी भरा हुआ है बारिश का, लेकिन इसको निकलने का इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया है। तो भाई बिलासपुर से खबर है, जहां बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। अवैध प्लॉटिंग पर निगम का बुलडोजर चला है। घुरु अमेरी क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, निगम आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। नाले की जमीन पर की जा रही थी अवैध प्लॉटिंग, जिस पर निगम प्रशासन का बुलडोजर चला। और ये बड़ी जानकारी बिलासपुर से आपको दे रहे हैं। बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, अवैध प्लॉटिंग पर निगम ने एक्शन लिया है। घुरु अमेरी क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। बिल्कुल, देखिए नगर निगम सीमा क्षेत्र से लगभग 17 ग्रामीण क्षेत्रों को हाल ही में पिछले 5 सालों पहले जोड़ा गया था। इन वो ये इलाके हैं जहां पर अवैध प्लॉटिंग धड़ल्ले से किया जा रहा है। लगभग 300 से अधिक ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया गया था और नोटिस जारी कर इनसे जवाब तलब किया गया था। हालांकि इस बीच जिन्होंने जवाब नहीं दिया था उन पर अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई की गई थी। अवैध प्लॉटिंग को तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी, जहां पर सड़कें बना दी गई थी, बाउंड्री वॉल बना दिया गया था। इसी कड़ी में आज भी एक बड़ी कार्रवाई नगर निगम के द्वारा देखने को मिली। यहां पर गुरु अमेरी के पास लगभग 5 एकड़ से भी अधिक एरिया में जो है सरकारी जमीन के नाले की जमीन थी, उस पर बाउंड्री वॉल तान दिया गया था। जिसके बाद जैसे ही इसकी शिकायत नगर निगम आयुक्त को मिली, उन्होंने तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अतिक्रमण दस्ते को भेजकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। फिलहाल बिलासपुर में यह देखा जा रहा है कि लगातार अवैध प्लॉटिंग का काम तेजी चल रहे हैं, नियम विरुद्ध काम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार नोटिस जारी कर उन लोगों को हिदायत दी जा रही है और जवाब तलब किया जा रहा है। जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं उनके यहां अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपको मैं तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अब जो अवैध अतिक्रमण था उसको तोड़ दिया गया है, एक्शन लिया गया है निगम प्रशासन की तरफ से। खबर बस्तर से, जहां सहकारी समिति में 54 लाख के गबन का मामला सामने आया। समिति प्रबंधक, प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर पर गबन का आरोप लगा है। जांच में पाया गया तीनों को दोषी। बस्तर कलेक्टर ने तीनों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। मुरमा सहकारी समिति का ये पूरा मामला है। 717 क्विंटल धान का शॉर्टेज दिखाया गया, खाद्य बिक्री और वसूली में भी गड़बड़ी पाई गई है। बड़ी जानकारी है बस्तर से, जहां सहकारी समिति में 54 लाख का गबन। समिति प्रबंधक, प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर पर गबन का आरोप लगा है। जांच में तीनों को दोषी पाया गया। बस्तर कलेक्टर ने तीनों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। मुरमा सहकारी समिति का ये पूरा मामला है। 717 क्विंटल धान का शॉर्टेज दिखाया गया, खाद्य बिक्री और वसूली में भी गड़बड़ी पाई गई थी। तो तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। कलेक्टर ने खुद इस पर एक्शन लिया है। मुरमा सहकारी समिति का पूरा मामला। और संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़े हैं। श्रीनिवास, सहकारी समिति में 54 लाख का गबन किया गया है। जी बिल्कुल, ये मामला बस्तर जिले के बड़े मुरमा पंचायत का है, जहां पर सहकारी जो समिति के प्रबंधक है, खरीदी प्रभारी और ऑपरेटर पर 54 लाख गबन का मामला
सामने आया है। जब इसकी शिकायत बस्तर कलेक्टर को मिली तो तत्काल ही कलेक्टर ने इसकी जांच करवाई और जांच में ये तीनों दोषी पाए गए, जिसके बाद बस्तर कलेक्टर ने उप पंजीयक सहकारी समिति संस्था को तीनों के खिलाफ FIR करने के निर्देश दिए गए। क्योंकि जांच में यह पाया गया कि मार्केट द्वारा लगातार इनको धान की मांग की जा रही थी, लेकिन ये बार बार कहने के बाद भी धान नहीं दे रहे थे और 717 क्विंटल धान को शॉर्टेज में बताया गया था। इसके अलावा खाद बिक्री हो या वसूली, इन सभी मामलों में ये तीनों दोषी पाए गए थे और 54 लाख रुपए का गबन का आरोप सिद्ध हो गया था, जिसके बाद कलेक्टर ने तत्काल ही जांच समिति को आदेश दिया और इनके खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही रिकवरी करने का भी आदेश दिया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां खबर सूरजपुर से है, जहां वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण की कोशिश की गई। लगभग 10 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण की कोशिश की जा रही थी, 2 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। महावीरपुर का ये पूरा मामला सामने आया है। सूरजपुर वन विभाग के उड़नदस्ते की कार्रवाई के दौरान इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर सूरजपुर से है, वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण की कोशिश, लगभग 10 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण की कोशिश की जा रही थी, 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। महावीरपुर गांव का ये पूरा मामला है। सूरजपुर वन विभाग के उड़नदस्ते की कार्रवाई के दौरान इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। और अब बात अंबिकापुर